नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास वीडियो में, जहां हम बात करेंगे आज के रोमांचक मुकाबले की। आज अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में आयरलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच पहला T20 मैच खेला जाएगा। ये मैच आयरलैंड अब साउथ अफ्रीका सीरीज का हिस्सा है और दोनों टीमें इस मुकाबले में जीत दर्ज करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। साउथ अफ्रीका और आयरलैंड की टीमों का पिछला सामना अगस्त 2022 में हुआ था, जहां साउथ अफ्रीका ने 44 रनों से जीत हासिल की थी। पिछले 5 मैचों में आयरलैंड को साउथ अफ्रीका के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि इस बार साउथ अफ्रीका ने अपने नियमित खिलाड़ियों को आराम देकर एक युवा और अनुभवहीन टीम को मौका दिया है। अब बात करते हैं आयरलैंड की। T20 वर्ल्ड कप 2024 में खराब प्रदर्शन के बाद आयरलैंड की टीम अब नई रणनीतियों और नए कॉम्बिनेशंस को आजमाने के लिए तैयार है। आयरलैंड के प्रमुख खिलाड़ियों में से एक कर्टिस कैनफर टीम के लिए एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी हो सकते हैं। वे गेंद और बल्ले दोनों से बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं। वहीं मार्क अडेयर भी अपनी आक्रामक बैटिंग और शानदार गेंदबाजी के कारण टीम के लिए एक प्रमुख भूमिका निभाएंगे। पिछले 12 महीनों में उनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है और उम्मीद है कि वे आज के मैच में भी ऐसा ही करेंगे। आयरलैंड इस मुकाबले में अंडरडॉग के रूप में उतर रही है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वे कभी भी चौंकाने वाली जीत दर्ज कर सकते हैं। अब बात करते हैं साउथ अफ्रीका की। हालांकि हाल ही में उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा है, उन्हें वेस्ट इंडीज के खिलाफ 3 से हार का सामना करना पड़ा। साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज रीजा हेंड्रिक्स पर सभी की निगाहें होंगी। हाल ही में अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गए मैचों में उन्होंने 17 और 18 रन बनाए थे। लुंगी एनगिडी भी इस सीरीज में साउथ अफ्रीका के प्रमुख गेंदबाज होंगे। वे अपनी तेज गेंदबाजी से आयरलैंड के बल्लेबाजों को मुश्किल में डाल सकते हैं। आज का मैच शेख जायद स्टेडियम अबू धाबी में खेला जाएगा। इस मैदान पर फरवरी 2023 में आखिरी T20 मैच खेला गया था, जब UAE ने अफगानिस्तान का सामना किया था। ये पिच आमतौर पर स्पिनर्स को मदद करती है, लेकिन तेज गेंदबाज भी शुरुआत में विकेट निकाल सकते हैं। मैच में टॉस जीतने वाली टीम शायद पहले गेंदबाजी करने का फैसला करेगी, ताकि दूसरी पारी में ओस का फायदा उठाया जा सके। मैच रिपोर्ट है, दक्षिण अफ्रीका यह मैच जीतेगी। तो दोस्तों, आज का मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। आयरलैंड के पास मौका है कि वे अंडरडॉग होते हुए भी साउथ अफ्रीका को कड़ी टक्कर दें। वहीं साउथ अफ्रीका के पास मौका है कि वे अपने युवा खिलाड़ियों के साथ एक मजबूत प्रदर्शन करें और सीरीज में बढ़त हासिल करें।